सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और उलझती जा रही है। बिहार पुलिस ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पर एक तरफ ईडी की कार्यवाही जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर रिया की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसका प्रतिनिधित्व गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर कर रहे हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती को समन भेजाकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती की संपत्ति और सुशांत सिंह राजपूत के साथ लेन देन को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभिनेत्री ने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया था, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया और फिलहाल रिया के साथ ईडी की पूछताछ जारी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर बिहार पुलिस ने हलफनामा दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें अपने घर ले गई थी और उन्हें दवाओं का ओवरडोज दे रही थी। वहीं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें रिया और उनके परिवार पर आरोप लगाया है कि यह सभी सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में पैसों के लालच से आए थे। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में बिहार पुलिस के हलफनामे का जिक्र करते हुए बताया कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों के सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ पैसे हड़पना था। बिहार पुलिस ने यह भी कह दिया कि बाद में रिया और उनके परिवार ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी थी। बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने हलफनामे में बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने घर ले गई थी और वही उन्होंने दवाइयों के ओवरडोज देने शुरू कर दिए थे। वही ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को आज उनके सामने पेश होने के लिए कहा है। इसके अलावा एजेंसी ने सुशांत सिंह के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी पेश होने के लिए कहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।